मैं दीपक लाठर आप सबका हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम आधुनिक भारत के इतिहास की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, ये उसका पार्ट वन है। हम इस टॉपिक को पूरी डिटेल के साथ कवर करेंगे क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के कंपेरिजन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आधुनिक भारत से पूछे जाते हैं। इतिहास के 50% प्रश्न यहाँ से होते हैं दोस्तों, तो हम इस टॉपिक को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, यानी कि भारत में यूरोपीय शक्तियां कब आई, कौन सी यूरोपीय शक्तियां सबसे पहले आई, तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट 1947 तक हम इस सीरीज को कवर करेंगे। तो दोस्तों उससे पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी दो ब्रांचेज में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जींद और नरवाना, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। हरियाणा पुलिस और रेलवे के लिए टारगेट बैच स्टार्ट किए गए हैं, उसके लिए आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको एक मैप दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पुर्तगाल, ये यहाँ पे लिखा हुआ है पुर्तगाल। पुर्तगाल की जो राजधानी है वो है लिस्बन, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है लिस्बन। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि भारत की अगर बात की जाती है तो भारत के समुद्री रास्ते की खोज वास्को डिगामा ने की थी, लेकिन वास्को डिगामा से पहले बहुत सारे ऐसे आदमी थे जिन्होंने समुद्री रास्तों की खोज करने के लिए बहुत मेहनत की थी। तो उनमें से एक आदमी थे बार्थोलोम्यू डायज। देखिए बार्थोलोम्यू डायज ने आशा अंतरिक्ष की खोज की थी। आशा अंतरिक्ष को आप कहते हैं केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ये हम बहुत बार इसमें गलती कर देते हैं कि केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी। तो आपको याद रखना है केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी, बार्थोलोम्यू डायज। 1487 में इसकी खोज की गई थी दोस्तों। ये कहां पे है आप, यहां पे आपको अफ्रीका का मैप दिखाई दे रहा है और इसमें नीचे जो ये पॉइंट है ये है केप ऑफ गुड होप, यहां पे जो पॉइंट है। वास्को डिगामा पुर्तगाल से होते हुए यहां पे पहुंचे थे और यहां से फिर ये इंडिया में कवर किया था, यहां तक पहुंचे थे इंडिया तक, ठीक है। तो देखिए उससे पहले भी एक आदमी भारत की खोज के लिए निकले थे, उनका नाम था कोलंबस। कोलंबस भारत की खोज तो नहीं कर पाए लेकिन उन्होंने अमेरिका की खोज कर दी थी। कोलंबस ने किसकी खोज की थी, अमेरिका की, और 1492 में अमेरिका की खोज की गई थी। वास्को डी गामा भारत की खोज करने के लिए निकले और वो भारत में पहुंचे थे 20 मई 1498। तो भारत में समुद्री रास्ते की सबसे पहले खोज किसने की थी, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी समुद्री रास्ते की 20 मई 1498। तो दोस्तों वास्को डी गामा तीन बार भारत में आए थे, सबसे पहले वो भारत में आए थे 1498, सबसे पहले भारत में आए थे 1498, दूसरी बार वो भारत में आए 1502 और तीसरी बार भारत में आए थे 1524। यहां पे आपको एक फोटो दिखाई दे रहा है, यहां पे ये जो राजा हैं ये हैं राजा जमोरिन, क्योंकि वास्को डी गामा जो थे ये आए थे कालीकट। वास्को डी गामा सबसे पहले आए थे कालीकट, कालीकट है दोस्तों केरल में, और यहाँ के राजा थे जमोरिन, जो इस फोटो में आपको दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पे जमोरिन इस सारे दल का जो कि वास्को डी गामा का दल था इसका स्वागत कर रहे हैं। तो केरल में वास्को डी गामा सबसे पहले आए थे, केरल में जो जगह थी उसका नाम था कालीकट। कालीकट को उस टाइम पे कहा जाता था कोचीगोट, कोचीकोट, कोझिकोड कहा जाता था कालीकट को, यह है केरल में, और यहां पे उनका स्वागत किया गया था राजा जमोरिन के द्वारा। देखिए दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पुर्तगालियों को भारत में व्यापार करने की परमिशन किसने दी थी, आपको याद रखना है पोप अलेक्जेंडर सट जो सिक्स थे, उन्होंने पुर्तगालियों को पूर्वी समुद्रों में व्यापार करने की परमिशन दी थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों ये। देखिए वास्को डी गामा भारत में 90 दिन की यात्रा के बाद आए थे और उनकी भारत में आने में मदद की थी एक आदमी ने जो कि गुजरात के थे, जिनका नाम था अब्दुल मणिक। अब्दुल मणिक की सहायता से वास्को डी गामा 90 दिन की यात्रा के बाद भारत में आए थे। यहां पे हमने क्वेश्चन कर लिया और अब देखते हैं कि दूसरा व्यक्ति कौन था जो भारत में आया। दूसरे व्यक्ति का नाम था पेट्रो अल्वारेज। पेट्रो अल्वारेज 9 मार्च 1500 को भारत में आए थे, और ये क्यों आए भारत में, क्योंकि वास्को डी गामा जो यहां से चीजें लेके गए जैसे काली मिर्च वगैरह वो वहां पे उन्होंने बेची तो उनको 60 गुना का फायदा हुआ था। वास्को डी गामा को 60 गुना का फायदा हुआ था, और इन्हीं बातों का जब पता चला पेट्रो अल्वारेज को तो वो भी 13 जहाजों के बेड़े के साथ भारत में पहुंच गए। तो पहले पुर्तगाली वास्को डी गामा थे और दूसरे पुर्तगाली थे पेट्रो अल्वारेज। उसके बाद हम देखते हैं पुर्तगालियों ने अपना पहला कार्य
पुर्तगालियों ने पहला कार्यालय कोचीन में स्थापित किया था। इसको स्थापित किया गया था 1503 में। देखिए दोस्तों, आगे जाके एक क्वेश्चन और बनेगा। 1503 को अगर आप आगे पीछे कर देते हैं तो ये बन जाएगा 1530। तो आपको याद रखना कि पहला कार्यालय जो स्थापित किया गया था 1503 में कोचीन में, लास्ट में तीन कोचीन, और 1530 में इसको चेंज करके कर दिया गया था गोवा। एक और क्वेश्चन यहां से बनता है कि गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी कब बनाया गया, तो आप याद रखेंगे 1530 में। कार्यालय कब चेंज किया गया 1530 में, और 1530 में ही गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बना दिया गया, यानी कि घोषित कर दिया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन था। इसका नाम था फ्रांसिस्को द अल्मेडा। फ्रांसिस्को द अल्मेडा जो थे ये 1505 में भारत में पहले वायसराय बन के आए थे। तो पुर्तगालियों के पहले वायसराय कौन थे, फ्रांसिस्को द अल्मेडा, जो कि 1505 में आए थे और 1509 तक ये पुर्तगालियों के वायसराय रहे। देखिए, फ्रांसिस्को द अल्मेडा ने एक नीति चलाई थी जिसका नाम था नीले पानी की नीति। क्या नाम था नीति का, नीले पानी की नीति, यानी कि सामुद्रिक नीति भी कहा जाता है। समुद्र का पानी नीला होता है, इसलिए इस नीति को सामुद्रिक नीति भी कहा जाता है। यानी कि हमें याद रखना है कि पुर्तगालियों में पहले वायसराय थे फ्रांसिस्को द अल्मेडा, और उन्होंने नीले पानी की नीति चलाई थी। अल्मेडा ने एक जगह को कब्जाया था जिसका नाम था दीव, यानी कि दीव को पहली बार 1509 में अल्मेडा ने कब्जाया था, और इसको गुजरात, तुर्की और मिस्र की संयुक्त सेना को हरा के कब्जाया गया था। हमें याद रखना है कि गुजरात, तुर्की और मिस्र की संयुक्त सेना को हरा के दीव को कब्जाया गया था 1509 में। अल्मेडा के बाद भारत में जो दूसरे पुर्तगाली आए वो थे अल्बुकुर्क। अल्बुकुर्क को भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकुर्क दूसरे पुर्तगाली वायसराय थे दोस्तों, और इनको भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकुर्क ने दूसरा काम क्या किया, इन्होंने दूसरा काम किया था कि कोचीन को अपना मुख्यालय बना लिया था। अल्बुकुर्क ने किसको अपना मुख्यालय बनाया, कोचीन को। अल्बुकुर्क ने भी एक नीति चलाई थी और वो थी भारतीय स्त्रियों से शादी करने की नीति। यानी कि अपनी जनसंख्या को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने कहा कि जो भारतीय महिलाएं हैं उन्हीं के साथ पुर्तगालियों को शादी करनी चाहिए। तो भारतीय महिलाओं से शादी करने की नीति किसने चलाई, अल्बुकुर्क। एक और क्वेश्चन हमने याद रखना है कि अल्बुकुर्क ने ही गोवा को कैप्चर किया था दोस्तों। गोवा को सबसे पहले अल्बुकुर्क ने कब्जाया था 1510 में। 1510 में गोवा को कब्जाया गया था, और गोवा को कब्जाया था बीजापुर के राजा आदिल शाह। बीजापुर के शासक आदिल शाह को हरा के गोवा को 1510 में अल्बुकुर्क ने कैप्चर किया था, यानी कि कब्जाया था। नीनो डी कुन्हा अल्बुकुर्क के बाद पुर्तगालियों के वायसराय बन के भारत में आए थे, और ये भारत में आए थे 1515 में। तो 1515 में नीनो डी कुन्हा भारत में तीसरे वायसराय बन के आए, और इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या था कि इन्होंने 1530 में, मैंने आपको पहले ही बताया था, इसको अगर उल्टा कर देंगे तो बन जाएगा 1530 में इन्होंने गोवा को राजधानी घोषित कर दिया था पुर्तगालियों की। तो ये किया गया था किसके द्वारा, नीनो डी कुन्हा। उसके बाद हमने याद रखना है कि पुर्तगाली साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया कहा जाता है। देखिए दोस्तों, उस टाइम पे पुर्तगाली साम्राज्य को कहा जाता था एस्तादो द इंडिया। पुर्तगालियों ने लगभग 1595 तक हिंद महासागर के ऊपर पूरी तरीके से एकाधिकार रखा था। पुर्तगाली अपने एक सुरक्षा कर भी लगाते थे, और उस सुरक्षा कर की व्यवस्था को कहा जाता था कार्ड्स प्रणाली। सुरक्षा कर की व्यवस्था को क्या कहा जाता था, कार्ड्स प्रणाली। तो उसके बाद हम देखते हैं कि इन्हीं के टाइम पे एक जेसुइट संत आए थे जिनका नाम था जेवियर। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 1542 में जेवियर किस पुर्तगाली वायसराय के साथ भारत में आए थे, तो आपको याद रखना है वायसराय का नाम था अल्फांसो डिसूजा। क्या नाम था, अल्फांसो डिसूजा। इनके साथ 1542 में, और ये भारत में आए थे ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए। पुर्तगेज ईसाई होते थे, उस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध संत जेवियर भारत में आए थे 1542 में। भारत में ईसाइयों का
पहला जो धर्म न्यायालय लगा था, बनाया गया था, वो भी गोवा में 1560 में बनाया गया था। तो दोस्तों, जेवियर भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आए थे और ईसाई धर्म का एक कोर्ट भी भारत में बना था जो 1560 में बनाया गया था गोवा में। भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भी पुर्तगालियों ने की थी 1556 में और यह भी लगाई गई थी गोवा में। उसके बाद हम देखते हैं कि पुर्तगालियों से सोलसेट और बेसिन को 1739 में बाजीराव ने छीना था। देखिए, बाजीराव एक मराठा सरदार थे, इनके पिता का नाम था बालाजी विश्वनाथ जो कि दूसरे संस्थापक कहे जाते हैं मराठा साम्राज्य के। तो बाजीराव ने पुर्तगालियों को हरा के महाराष्ट्र के पास दो द्वीप हुआ करते थे, एक का नाम था सोलसेट और एक का नाम था बेसिन, 1739 में वापस छीन लिए थे। 1739 में उनको वापस छीन लिया गया था। देखिए, एक और जगह पूछी जाती है हुगली पश्चिमी बंगाल में उस टाइम पे एक जगह थी, इसको पुर्तगालियों से कब और किसने छीना था। 1632 में शाहजहां ने पुर्तगालियों से हुगली को वापस छीन लिया था। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बंगाल में अंग्रेजों ने यहीं पे अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की थी हुगली में 1651 में। अंग्रेजों के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, पुर्तगाली भारत से सबसे लास्ट में गए थे, 1961 में पुर्तगाली भारत से गए थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है बहुत बार कि भारत से जो पुर्तगाली थे वो कब गए और कहां से गए। तो पुर्तगाली भारत से 1961 में गए और गोवा से गए। तो दोस्तों, यहां पे हमें एक लास्ट क्वेश्चन जो याद रखना है पुर्तगालियों से कि भारत में आलू, तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण और प्रिंटिंग प्रेस, आलू तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण और प्रिंटिंग प्रेस को लाने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। इस वीडियो में दोस्तों हमने पुर्तगालियों को कवर करा है और इसके बाद अगली वीडियो में हम कवर करेंगे डच और अंग्रेजों को। देखिए, हमें कई बार लगता है कि अंग्रेज पहले आए थे लेकिन डच पहले आए थे। दोस्तों, सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच और फिर अंग्रेज। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।